गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कोरोना की वजह से बहुत सारे कुरियर सर्विसेज बंद हैं, पोस्ट ऑफिसेज बंद हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग संस्था में काम कर रहे हैं, कोई स्कूल में काम कर रहे हैं या कोई कंपनीज में काम कर रहे हैं, या हमें बल्क में लेटर्स भेजने हैं, स्टूडेंट्स को लेटर्स भेजने हैं, अपने कर्मचारियों को भेजने हैं या एंड यूज़र्स को भेजने हैं, एक्स वाई जो भी यूज़र है आपका, लेकिन अभी इस सिचुएशन में बहुत सारे सर्विसेज बंद है, हम लेटर भेज नहीं पा रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे है, अगर हम लेटर बना के हम व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं। ओके, तो इसमें दिक्कत भी ये आ सकता है कि इतने सारे लोगों को लेटर प्रिंट करना है, प्रिंट करके रखना है, फिर उसको स्कैन करके भेजना है, तो इसलिए बेहतर तरीका मैं आपको सिखाने आज की PDF डॉक्यूमेंट में हम सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं, यानी हाउ टू ऐड डिजिटल सिग्नेचर इन PDF फाइल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेटर है, ये द प्रिंसिपल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्कूल XYZ, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है और ये लेटर जो जा रहा है मिस्टर एंड्रू डिसूजा को। ओके, तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए एडमिशन के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दर्ज की थी स्कूल के लिए, तो उनका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है और उनका उनका बेटे का नाम भी है। ओके, स्टूडेंट्स नेम है, या चाहे तो हम इसको यहाँ पे स्टूडेंट नेम भी दे सकते हैं। ओके, स्टूडेंट नेम। ओके, एंड डियर पेरेंट, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, XYZ पूरा हिस्ट्री लिखा है कि आपका ये रेफरेंस की वजह से, ये रेफरेंस नंबर है, और तो वी आर हैप्पी, हमको बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग, आपका लड़का, आपका लड़की जो सेलेक्ट हुआ है एडमिशन के लिए, और यहाँ पे नीचे है रिगार्ड सिग्नेचर एंड स्टैम्प। ओके, तो ये जो फॉर्मेट है अभी वर्ड में है, तो इसको क्या करना है हमें, जब ओके सेव एज करना है इसको हमें। ओके, तो सेव एज हमें डिजिटल सिग्नेचर इन PDF। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे बंदे का नाम देता हूँ जो भी है, क्या केविन डिसूजा। ओके, क्योंकि उसका ये लेटर है, इसके लिए हम केविन डिसूजा के नाम पे हम सेव कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हमें, हमारे पास और एक शॉर्टकट है, यहाँ फाइल में सेव एज करने से बेहतर है हम इसको डायरेक्टली F12 करेंगे। F12 करने से सीधा वो जहाँ पे भी आपको करना है सेव एज, तो यहाँ पे आप उसको पाथ दे सकते हैं, डेस्कटॉप पे करना है या अलग अलग कौन सी दूसरी ड्राइव पे करना है, आप वो कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है उसको। ओके, तो अभी क्या करना है, ये वर्ड फाइल को हमें क्लोज करना है। ओके, अभी जाना है हमें ऑफ, अभी मैंने ओपन किया था। ओके, केविन, हाँ तो ये केविन को फिर हम क्या करना है, F12 करके दोबारा इनके शॉर्टकट करके सेव एज यहाँ पे PDF करना है। देखिए यहाँ पे PDF। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं सेव एज टाइप, यानी फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए वर्ड में, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो वर्ड में ही अभी फाइल। ओके, तो अगर ये अलग अलग यहाँ पे एक्सटेंशंस है, तो मुझे करना है PDF में, तो मैं यहाँ पे PDF सेलेक्ट करूँगा। ओके, सेव करूँगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही प्रोसेस होता है, फाइल ऑटोमेटिकली ओपन होता है, तो ये ओरिजिनल फाइल जो वर्ड वाली, इसको मैं क्लोज कर दूँगा। ओके, अभी मैंने ओपन किया है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट पेज, आई थिंक ये सेकंड पेज पे एक एंट्री ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, तो इसलिए वो सेकंड पेज हो चुका है। तो आप याद से कीजिए, जब वर्ड फाइल में आप कर रहे हैं तब आपको याद रखना है कि सेकंड पेज ना जनरेट हो। ओके, ओ आई थिंक ये सेकंड पेज यहाँ से ही जनरेट हुआ है मेरे ख्याल से, देखते हैं, ये यहाँ पे सेकंड पेज हुआ है। ओके, तो मुझे सेकंड पेज की ज़रूरत नहीं, तो आप जब जनरेट करोगे लेटर, तो आप लोग सिर्फ फर्स्ट पेज को ही कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे आपके PDF, अगर आपका PDF अपडेटेड है, ओके, तो आपके यहाँ पे साइड में क्रिएट PDF, एडिट PDF, सेंड फाइल, स्टोर फाइल्स, ऐसे कैसे ऑप्शंस आ सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल एंड साइन। ओके, यहाँ पे टूल्स हैं अलग अलग। ओके, जब फिल एंड साइन उसमें से कमेंट्स हैं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करना है यहाँ पे। ओके, एंड देन अलग अलग तरीके से हम सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या ऑप्शंस आते हैं हमें। तो मैं यहाँ पे पहले क्लिक करूँगा फाइल फिल एंड सिग्नेचर पे। ओके, अभी देखिए, तो मैंने नाम तो यहाँ पे डाला ऑलरेडी प्रिंसिपल,
क्योंकि वी 7 का नाम है, तो मैंने डाल दिया है। हाँ, अगर मुझे इनिशियल डालना है यहाँ पे, अगर मैंने डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी नहीं डाला है, तो हम वैसे जाके देखिए यहाँ पे है प्लेस इनिशियल्स। ओके, तो मैं यहाँ पे वी सत्या, ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाल के रखा है उनका इनिशियल। ओके, तो क्लियर सेव इनिशियल भी कर सकता हूँ मैं, और दूसरा भी डाल सकता हूँ। ये देखिए टाइप योर इनिशियल यहाँ पे आया है। ओके, या ड्रॉ योर इनिशियल, इनिशियल्स भी आप पेन की तरह कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये देखिए ऐसे ऐसे करके भी डाल सकते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे डालूँगा टाइप माई इनिशियल डालूँगा। ओके, टाइप सपोज वी सत्या टी एच ए सत्या। ओके, चेंज इनिशियल स्टाइल, स्टाइल भी कर सकते हैं यहाँ पे, चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया, और एक्सेप्ट करना है। ओके, और यहाँ पे उसको लगा देना है। तो एज अ हम ये कंसिडर भी कर सकते हैं उसका इनिशियल, एज अ सिग्नेचर भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं उनका प्रॉपर नाम भी चाहिए, सिग्नेचर भी चाहिए, तो मैं इसको डिलीट करूँगा जाके। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट करके, या यहाँ पे जाके हम या इनिशियल पे जाके क्लियर सेव्ड इनिशियल्स करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे नाम तो है, अभी मुझे सिर्फ सिग्नेचर ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे सिग्नेचर में, प्लेस सिग्नेचर। ओके, मैं पहले वाले जितने भी किए हैं मैं वो निकाल दूँगा, यहाँ पे डालेंगे। अभी ये देखो टाइप माई सिग्नेचर, अगर मैं टाइप करूँगा तो कैसा आता है, यूज़ अ वेब कैम, तो वेब कैम की ज़रूरत नहीं है, मतलब वेब कैम के ऊपर आप रखेंगे वो सिग्नेचर को तो आप ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है। ड्रॉ माई सिग्नेचर यानी पेन की तरह कर सकते हैं। यूज़ एन इमेज, जो इमेज आप पीडीएफ फाइल में रखेंगे तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यूज़ अ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट मतलब प्रॉपर जब हम फॉर्म 16 वगैरह निकालते हैं या डिजिटल सिग्नेचर करके हमें जो मिलता है वहाँ पे देखो लिख के आता है, क्वेश्चन मार्क रहता है या फिर एक राइट टिक मार्क रहता है ग्रीन वाला, तो उसमें जाके हम उस पर क्लिक करके ट्रस्ट में जाके फिर सब दो तीन ऑप्शन से उसको टिक मार्क करके हम उसको वेरीफाई करते हैं, तो ये वाला होगा यूज सर्टिफिकेट का। तो ओके, तो इसमें से सबसे सिंपल है और ड्रॉ माई सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया कि पेन की तरह हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, ये देखिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा है यूज़ एन इमेज, यूज़ एन इमेज मतलब मैंने ऑलरेडी किसी फॉर्मेट में वर्ड फॉर्मेट में ही मैंने संभाल के रखा है, उसको सेव करके रखा है, तो उसको ब्राउज करूँगा मैं। ओके, तो ये देखते हैं साइन इन पीडीएफ बन करके, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आया है ये सिग्नेचर, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने डाला है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको कंट्रोल झेड करूँगा, नहीं चाहिए मुझे ये। ओके, ये भी नहीं चाहिए, तो और एक दूसरा फॉर्मेट है क्लियर करूँगा। ओके, ऐड सिग्नेचर में जाऊँगा, और एक है ये हो गया यूज़ एन इमेज का। तो यूज़ एन इमेज का ऐसा है कि अगर आप ओरिजिनल सिग्नेचर, सचमुच ओरिजिनल सिग्नेचर आप करके स्कैन करके पीडीएफ में उसको आप यहाँ पर डाल भी सकते हैं। ओके, और दूसरा है यूज सर्टिफिकेट, ये थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा है ये, अभी थोड़ा सा लंदी है। ओके, चलो यहाँ पे इसको नेक्स्ट करते हैं। ये अलग अलग ड्रैग न्यू सिग्नेचर रेक्टेंगल, ओके, तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे स्लो चल रहा है, सिग्नेचर वॉज नॉट क्रिएटेड। ओके ओके ओके, एरर आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे सिग्नेचर जितने भी मैंने डाले हैं ऑलरेडी वो मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, तो गाइज इस तरह से यहाँ पे, हाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है क्लियर करने का, तो हाँ कैंसिल ही करेंगे हम इसको, चेंज सेव सिग्नेचर। ओके, तो यहाँ पे ये जो है यूज़ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपका नाम डालना पड़ता है, आगे जाके वो ईमेल आईडी पूछता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछता है, सब जाके फिर वो एक डिजिटल सिग्नेचर प्रॉपरली जनरेट होता है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके, जब भी आप ऐड सिग्नेचर करोगे यूज़ माई सर्टिफिकेट सिग्नेचर, तो जाके पीडीएफ में आ सकता है। ओके, तो ईजी है ना गाइस, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने ये बना दिया सब कुछ, ओके, यहाँ पे सिग्नेचर भी डाल दिया, तो सीधा इसको क्या करना है, प्रिंट भी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। ओके, तो इस तरीके से आप फोटो निकालें, इसको प्रिंट भी निकालना नहीं, पेपर भी वेस्ट नहीं होगा आपका। ओके, पेपर भी बचेगा आपका, तो पूरा ये जो फॉर्मेट है, ओके, इस तरह से आप यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक फ़ोटो निकालना है, और जिसको भी भेजना है आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। ओके, ईजी है ना दोस्तों। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे और चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।
और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।